बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रीज़ के वाले से, डेटा स्ट्रक्चर सेट एल्गोरिथम, हम जो ट्रीज़ के वाले से हम पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रीज़ क्या होता है बेसिकली, इसमें जो वो नोड्स के नोड्स पर ये होता है, हम जो उसको नोड पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ट्रीज़ में आपको पता है कि ब्रांचेस होती हैं, इसमें वो ब्रांच, ये ब्रांचेस निकलती हैं। दूसरा ये बुक्स है, ठीक है, इसकी ब्रांच है प्रोग्रामिंग। अब इसमें दो ब्रांचेस निकल रही हैं, फिर इसकी दो ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, तो ये ट्री बन रहा है। ठीक है, इसके की टर्म्स हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे रूट है, रूट किसे कहते हैं, नोड एट द टॉप ऑफ द ट्री। ये जो ट्री है सबसे ऊपर जो होगा उसको क्या बोलेंगे, नोड कहेंगे। ठीक है, पाथ सीक्वेंस ऑफ नोड्स अलोंग द एजेस ऑफ अ ट्री। ठीक है, ये जो है ना, ये सारे ये दो लाइन्स, ये एजेस हैं। ठीक है, तो ये पाथ भी है। ठीक है, इसी तरह फिर डिसेसर, नोड डेट इज अबव सर्टेन नोड, यानी कि एक नोड है, इसके ऊपर जो नोड होगा वो प्रीडेसेसर होगा। ठीक है, इसी तरह सक्सेसर किसे कहते हैं, नोड डेट इज बिलो सर्टेन नोड। ठीक है, एक नोड है, ये जो है वो नोड है। ठीक है, इसके नीचे जो ये जो नोड है इसके क्या कहेंगे, सक्सेसर कहेंगे। ठीक है, इसको एनकेस्टर किसे कहेंगे, ऑल नोड्स डेट इज बिफोर सर्टेन नोड एंड इन द सेम पाथ। यानी कि एनकेस्टर में क्या होता है कि एक नोड है, उसके ऊपर उस सेम पाथ पे जो जितने भी नोड आएंगे वो उसको एनकेस्टर्स होंगे। ठीक है, इसी तरह डिसेंडेंट किसे कहते हैं, उसके नीचे जितने भी नोड्स होंगे वो सारे क्या होंगे, डिसेंडेंट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैन है, ठीक है, इसके नीचे तीन है तो ये डिसेंडेंट होंगे। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कितने एनकेस्टर, कितने उनके, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एनकेस्टर होगा। ठीक है, डिसेंडेंट ये हो गया, एनकेस्टर ये होगा। ठीक है, पेरेंट कैसे कहते हैं, उस नोड के ऊपर जो उस अगले लेवल पर जो होंगे वो पेरेंट होंगे। यानी कि ये नोड है, ठीक है, इसके ऊपर ये जो लेवल है इसका, इस पर जो इसका जो पाथ बन रहा है इसका, तो ये क्या होगा, पेरेंट होगा। ठीक है, इसके लिए वो पेरेंट डेटा बेस होंगे। ठीक है, अच्छा चाइल्ड है, चाइल्ड कैसे कहते हैं कि ये मोंगो डीबी है, इसका जो है वो चाइल्ड है, डेटा बेस का चाइल्ड क्या है, मोंगो डीबी। ठीक है, इसी तरह सिबलिंग किसे कहते हैं, नोड्स डैट हैव सेम पेरेंट। इसे लीफ किसे कहते हैं, नोड विच हैव नो चाइल्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मोंगो डीबी और डीबी है, ये दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम लेवल पे हैं, तो और एक ये एक इनका जो पेरेंट एक ही है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिबलिंग है दोनों आपस में, और लेकिन इनके इनके नीचे जो है कोई चाइल्ड नहीं, नो चाइल्ड। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, लीफ बोलेंगे। ठीक है, ये लीफ नहीं है, ये लीफ नहीं है, ये लीफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके नीचे जो है वो चाइल्ड है। ठीक है, ये लीफ है और ये लीफ है और ये लीफ है, क्योंकि इसके नीचे चाइल्ड नहीं है। ठीक है ना, तो अच्छा डिग्री ऑफ अ नोड, नंबर ऑफ चाइल्ड ऑफ द नोड, उस नोड के जितने भी चाइल्ड होंगे उसको कहेंगे डिग्री ऑफ अ नोड। ठीक है, डिग्री ऑफ अ ट्री किसे कहेंगे, मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड्स इन अ गिवन ट्री। यानी कि जितने भी जो वो नोड्स होंगे उसके अंदर मैक्सिमम, उसको जो वो डिग्री ऑफ अ ट्री कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये नोड है, ठीक है, इसका डिग्री ऑफ अ नोड किसे कहेंगे, ये है। ठीक है, चाइल्ड, और डिग्री ऑफ अ ट्री के किसे कहेंगे, पूरे सारे नोड्स हैं। ठीक है, इसको कहेंगे डिग्री ऑफ अ ट्री। ठीक है, अच्छा हाइट ऑफ अ नोड किसे कहेंगे, मैक्सिमम पाथ लेंथ फ्रॉम दैट नोड टू अ लीफ नोड। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास नोड है, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग नोड है। ठीक है, इसके नीचे जो मैक्सिमम जितने भी पाथ होंगे, जितने भी लीफ तक जितना भी होगा नोड, नोड्स जितने भी होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइट कहेंगे ओपन नोड। ठीक है, इस नोड की हाइट याद रखें। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद जो है वो ये लीफ है, ये जिसके बाद जो है वो चाइल्ड नहीं है। ठीक है, इसी तरह हाइट ऑफ अ ट्री कैसे कहेंगे, पूरा जो है वो ऊपर से नीचे का रूट से लेकर लीफ तक सारा जो है वो ट्री रहेगा। लेवल किसे कहते हैं, रिप्रेजेंट द जनरेशन ऑफ अ नोड, इफ रूट रूट नोड इज एट लेवल जीरो देन इट्स नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट चाइल्ड नोड इज एट लेवल वन। यानी कि सीक्वेंस वाइज होगा, ऊपर से पहला नोड, उसके बाद नीचे नीचे लाइन में जो रोड होगा सेकेंड रो में, उसको लेवल टू भी कहेंगे। ठीक है, इस तरह यहाँ पर जीरो से रिप्रेजेंट किया हुआ, आप वन से भी कर सकते हैं। ठीक है, डेप्थ ऑफ अ ट्री, मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी लीफ इन इन द ट्री। ठीक है, जो सबसे नीचे जो लीफ होगा वो पूरा जो है उसका डेप्थ होगा ट्री का। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से इस डायग्राम से भी समझ लेते हैं, रूट किसे कहते हैं, सबसे ऊपर जो होगा ट्री का उसको कहते हैं हम रूट कहते हैं।